तो मैं थाईलैंड जाने की तैयारी में हूँ और मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, और आप देखते रहिए और आपको 8 दिन तक पूरा रोज के रोज एक आधा ब्लॉग डलता रहेगा। और अभी मैं घर से निकला हूँ और मेरे साथ हमारे गोलू भाई हैं। गोलू भाई छोड़ने जा रहे हैं और छोड़ते छोड़ते हम लोग स्कूटी पे निकले हैं और आराम से जा जा के फिर देखेंगे कि आगे का क्या प्रोग्राम बनाना है। तो अभी हम स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। भैया हमारे भैया तोल रहे हैं। रेलवे स्टेशन जाना है तो उसके नीचे से उतरना पड़ेगा पुल के हमें। स्टेशन की तरह हमारे रुद्रपुर की शान, रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन के अंदर मुड़ चुके हैं हम लोग। मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन, रेलवे स्टेशन रुद्रपुर में, और अब एंट्री हो रही है। राजू भाई सेफ्टी इंडस्ट्री से, हम लोग रामपुर आ चुके हैं। तो गाइस मैं गाजियाबाद आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा ठंडा माहौल हो रहा है और काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है। अब देखते हैं, सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलना है और एयरपोर्ट में देखते कितना टाइम लगता है। अब दिल्ली जाएगी, दिल्ली से अजमेर होके, जयपुर होके अजमेर। टर्मिनल 3 की तरफ जाएंगे और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का हाईवे का माहौल। मेरे साथ मेरे दोनों कज़न हैं और जो गाजियाबाद से ही हैं, और ये हमारे भैया ड्राइव कर रहे हैं। भैया कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो? तो यहाँ क्या करने आए हैं? माने के लिए। चलो भाई, से गाइस थोड़ा सा ही रह गया है और ये इंडिया गेट के लिए भी यहाँ से जाते हो, आरटीओ के लिए भी यहाँ से जा सकते हो। और रात के वक्त थोड़ा ट्रैफिक कम है इसलिए हो सकता है हम लोग जल्दी भी पहुँच जाएं। यहाँ से 4 किलोमीटर अनुसम रह गया है और बस थोड़ा सा और आगे जाना है। और लाइटिंग तो इतनी शानदार हुई थी, देखने का खूबसूरत लग रहा था बहुत ज़्यादा। हम एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में आ गए हैं और ये हमें बोर्ड दिख गया है, बस की जगह टोल टैक्स की कार की पार्किंग है। एस्माटी, क्या हाल चाल? क्या जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पातिया। पातिया फिर जाने का पड़ेगा। पातिया। हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर, फाइन। अब आगे की तैयारी में हम कौन से जाएंगे? गेट नंबर हम उससे जाएंगे जिसमें हमारे को भीड़ कम दिखेगी। मजा आएगा इस टूर का, मज़ा देखेंगे और आपको सबको दिखाएंगे वहाँ पे कहाँ कहाँ घूम के आए।
हमारी फ्लाइट थी विस्तारा। गाइस हमारी एंट्री हो गई अंदर और हम पहले गलत चले गए थे, अब इन्होंने कहा A1 पे जाना विस्तारा वालों के, और मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है और मेरी एंट्री भी हो गई और अब मैं इमिग्रेशन के लिए जाऊंगा अंदर की साइड में, तो वहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है। और थोड़ा सा हमारी फ़्लाइट भी वापसी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इस चक्कर में अब मुझे दोबारा से फ़्लाइट करानी पड़ी। यहाँ पे सब ड्यूटी फ्री। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मेरे भाई के व्लॉग को फॉलो करो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए लाइक्स की। लॉन्च में, तो लॉन्च में कैसे एंट्री होगी हमारी? क्रेडिट कार्ड से एंट्री मिलती है आपको लॉन्च के अंदर, okay. या फिर आपके पास प्रायोरिटी पास हो तो। हाँ मेरे पास है, बस बढ़िया है। आपके साथ प्रायोरिटी बंदा जा रहा है, कनाडियन बंदा जा रहा है मेरे लिए। तो भाई इन्होंने दोनों मेरे स्प्रे रख लिए स्प्रे, तो ये क्या करना चाहिए अगली बार से? अगर टाफ कैरी कर रहे हो तो भैया कैरी बैग में नहीं, तो आप भी मत लेगा। लॉन्च है, आप लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे आराम करना है या लेट है थोड़ी सी आपकी। देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग कभी भी यहाँ पे आएँ और कोई भी इसमें खाए पिए, कोई चार्ज नहीं है इसका, इसका आपके पास पास होना चाहिए बस। तो ये हमारे दोनों भाई जा रहे हैं, बुआ के लड़के, और ये हम लॉन्च के लिए ऊपर के आए हैं। थोड़ा सा लाइनअप है, देखते हैं सर। इतने साड़ी फ्लाइट ना छूट जाए, सब में बजना पाऊंगा। हाँ तो हम तो भाग तो रहे हैं, फिर आगे क्या करेंगे देखते हैं। फाइनल कॉल चल रही है, फाइनल कॉल में धक्के खाओगे तुम। यप हैं, तो गाड़ी करा दूँ तुम्हारी, इतना खा रखा है बाहर ना निकलता। ऐसे ही हुआ था ये, तो चलो रोटी तो मिल गई, वहाँ तो रोटी भी नहीं मिली थी। तो वहाँ पे वो भैया जा रहा है, भाई जा रहा है, तो उसमें क्या करना है?